दोस्तों, आज हमारे पास एक मार्केट का कार्टेप आया है। देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसको हमने, ये हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई है, ए एलिमिनेटर से हम 12 वोल्ट का सप्लाई दे दिया। ये देखिए पॉजिटिव लगा दिया, और ये देखिए येलो कलर का ये है नेगेटिव, इसको हमने लगा दिया। इसको हम अभी लाइन देते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए 12 वोल्ट का मैंने सप्लाई दे दिया, देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ बैकलाइट जल रहा है और कुछ नहीं है। ये देखिए मैंने पावर बटन दबाया, देखिए कुछ नहीं आ रहा है। देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है, खोलने के बाद मिलते हैं। ये देखिए हमने खोल लिया, अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, इसके लिए मीटर ऑन कर लिया। इसको 12 वोल्ट लगा लिया, इसमें हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे, इसमें 12 वोल्ट आया कि नहीं। ये हमने नेगेटिव दे दिया, ये देखिए 17 वोल्ट शो कर रहा है। आईसी में वोल्टेज आए कि नहीं, ये देखिए आईसी में वोल्टेज आ गया। अभी इसमें हमें चाहिए होगा पैनल का वोल्टेज। इसमें हम इधर में नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव दे दिया, हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए पैनल का वोल्टेज आ गया। अभी हम देखेंगे इसमें जो रेगुलेटर इसी है, इसमें वोल्टेज आया कि नहीं। ये देखिए इसमें भी आ गया 17 वोल्ट। ये देखिए कहीं रेगुलेटर आईसी में आउटपुट वोल्टेज नहीं है। जो रेगुलेटर आईसी है इसमें आउटपुट वोल्टेज नहीं है। देखिए ये देखिए इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज नहीं है। मतलब ये रेगुलेटर आईसी खराब हो सकता है। इसको चेंज करते हैं पहले। स्ट्रिप खोल लेते हैं, इसमें अलग कर लिया। अभी हम रेगुलेटर आईसी को खोल देंगे। ज़्यादा हीट देना होगा तभी खुलेगा, इसमें सोल्ड किया हुआ रहता है।
ये देखिए मैंने निकाल लिया। बहुत गर्म है, इसमें नंबर अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें 7805 ऐसे LM रहता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये LM तो मेरे पास है नहीं, इसके जगह ये बड़ा वाला LM हम लगाएंगे इसमें। ये देखिए इसको लगाएंगे, अभी इसको लगाने के पहले इसको थोड़ा काटना होगा। रेगुलेटर से हमने यहाँ पर सोल्ड करना है। ये मैंने सोल्ड कर दिया, हम इसको इसका ग्राउंड होल ग्राउंड जो होता है उसको हम दे देंगे। सोल्डर लगेगा, हमने सोल्ड कर दिया। देखिए हमने कैसे लगाया इसको, अच्छा। अब हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। पहले देखना होगा नेगेटिव में कनेक्शन हुआ कि नहीं, इसके बाजार को निकलना होगा। देखिए मैंने बाजार में लगा लिया, इसको हम नेगेटिव में जोड़ के देखेंगे। ये देखिए कनेक्शन नेगेटिव में आ गया। अभी हम इसको
पावर ऑन करेंगे। देखिए इसका डिस्प्ले में जो क्लॉक आना चाहिए, क्लॉक डिस्प्ले हो गया। देखिए अब हम इसको पावर ऑन करेंगे। ये देखिए पावर भी आ गया। साउंड चेक करेंगे तो सुनिए साउंड भी आ गया। देखिए उसका प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। इसके वजह से ये नहीं चल रहा था, ये खराब था, ये मार्केट में नहीं मिलता है, इसलिए बड़ा वाला एलएम हमने लगा दिया। अब भी कर सकते हो, थोड़ा सा काम है। देखिए इसमें साउंड आ रहा है, एकदम ओके हो गया है। तो देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो देखिए सब ओके है। इसको हम पहले जैसा पैक कर लेते हैं। इसको बंद कर दिया, अभी हम इसको पहले जैसा पैक करेंगे जैसे था। इसको हम पहले की तरह सब लगा देंगे। पहले हम ये पैनल का स्क्रू लगाते हैं। यहाँ में स्क्रू रहता है, पीछे भी स्क्रू रहता है। इसको हमने जोड़ दिया, लगा लिया स्क्रू। ये पूरा पैक हो गया। अभी हम फिर से इसको लाइन देंगे। इसका कनेक्शन देखिए कैसे किया, इसका सॉकेट ऐसा है। ये तीनों पॉजिटिव है, मतलब इसमें एक स्विचिंग है और एक डायरेक्ट है। इसमें ये दोनों को एक साथ में देना पड़ता है, मतलब जिसका जिसका कार का टैप है, कार में से ये सॉकेट नहीं लाया मैंने, दूसरे टैप का सॉकेट इसमें लगा करके
अब इसको हम चला रहे हैं। देखिए ये सब स्पीकर लाइन है, ये सब स्पीकर है, इसका 12 वोल्ट सप्लाई है। इसको हम अभी चेक करेंगे पूरी तरह से, फाइनल टेस्ट। देखिए ये देखिए ये ऑन हो गया, ये देखिए अभी साउंड भी आ गया। इसको हम अभी थोड़ा सा बजाएंगे, नहीं तो कॉपीराइट हो जाएगा। ओके है, अभी ये ओके हो गया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी पता चलेगा क्या किया मैंने। देखिए चल रहा है, मैंने साउंड बंद करके रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है। इसमें हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए थैंक यू।